वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजिन, आज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिटेल्ड वर्डिक्ट जो है वो सामने आता है, और इस डिटेल वर्डिक्ट में जिक्र है कि अगर छह माह तक कानून साजी ना हो सकी तो आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नया आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। हमने देखा नाजिन के वजीर आजम के हवाले से भी कहा गया है कि 3 साल का आईनी इख्तियार तौसी देने का वो वजीर आजम को भी नहीं है, और इस वर्डिक्ट में ये भी कहा गया कि कानून और आईन में मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के हवाले से किसी किस्म की लेजिस्लेशन बाजाबता तौर पर होती हुई नजर नहीं आई है, जो आर्मी एक्ट है। और अब अगर देखा जाए तो क्या इस वर्डिक्ट के बाद ये समझा जा सकता है कि पार्लियामेंट पर लाजिम हो चुका है कि वो इस मामले पर अब लेजिस्लेशन ही करना पड़ेगी उनको, और हुकूमत को इस लेजिस्लेशन के लिए ऑपोजिशन की हिमायत दरकार होगी। ऑपोजिशन वो जो कि पहले इस मामले में हुकूमत का साथ देने का ऐलान करती है, लेकिन अब हालिया मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाज़े कह दिया गया है कि वो किसी किस्म के मामले पर भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अब इस तमाम सिचुएशन पर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं, किस तरह से हुकूमत जो है इस तमाम मामले को हैंडल करेगी, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। साथ साथ अगर हम बात कर लें जो इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक 5 साल पहले हमारे सामने सानहा होता है जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया, वो सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा का है जिनकी के आज 5वीं बरसी जो है वो मनाई गई है। ये वो सानहा है नाजरीन के जो भुलाया नहीं जा सकता, और इस सानहे के बाद पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनी और पाक आर्मी ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरब आजब और फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया। मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम भी अमल में लाया गया और फिर सैकड़ों दहशतगर्दों को फांसियां भी दी गई हैं। ये दर्दनाक वाकया तारीख में नाजीन हमेशा सयाह बाप की तरह ही रहेगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी इस दिन की मुनासिबत से अपनी ट्वीट में कहा है कि सानहा APS में मुलविस 5 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए फांसी दी गई, और बतौर कौम दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए हमने तवील सफर किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मैं ऐसी फौज का चीफ हूं जहां हमारे जवान हर वक्त मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम आपको पहले सुनवा दें कि एग्जैक्टली व्हाट डिड आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड टुडे ऑन दिस इंसिडेंट। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। मैं ऐसी फौज का चीफ हूं जहां पे हमारे जवान हर वक्त इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। ये मैं मैसेज देना चाहता हूं उन कुव्वतों को जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं। आप देख लें, जैसे हमारे पास ऐसे वालदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क का बाल भी का नहीं कर सकता। और मुझे फ़ख्र है, मुझे मोहम्मद अली साहब पे, इनकी जोजा पे फ़ख्र है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए 3 बच्चों की कुर्बानी दी, और अभी भी ये कहते हैं कि मेरे बाकी बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो आफरीन है ऐसे वालदैन पर और ऐसी वालदा पर, ऐसे वालद पर जो इस मुल्क के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। और जब तक ऐसे वालदैन इस मुल्क में मौजूद हैं, मुझे पूरा यकीन है। जैसे कि आर्मी चीफ का बयान आपने सुना, साथ साथ अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले बात कर लें तो हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आज बहरीन पहुंचते हैं, वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया है, और बहरीन के शाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा ने इमरान खान को मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा, और फिर बहरीन का दौरा मुकम्मल करके अब वो जिनेवा जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात ये भी करेंगे कि कौलालंपुर समिट में भी जाना था वज़ीर आज़म का 18 दिसंबर को, जो कौलालंपुर समिट में शिरकत के लिए मलाइशिया उनका जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ये समिट अटेंड करेंगे। आखिर ये चेंज ऑफ प्लान क्यों होता है, हम इस सारी सिचुएशन पर भी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई है, जिसमें नैब की जानिब से जवाब जवा ना करवाने पर इस हेयरिंग को एडजर्न कर दिया है December 24 तक, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नवेद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब जवाद अहमद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बराबरी पार्टी हैं, और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और हमें टेलीफोन लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर हिदायतुल्ला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा कि आज डिटेल वर्डिक्ट जो है वो हमारे सामने आता है, अगर आप लोग हमें इजाजत दें
تو ہم یہاں پر ہمارے جو اسٹوڈیو میں موجود گیسٹ ہیں نوید چودھری صاحب, آپ سے شروعات کریں گے. میں اگر آپ کے سامنے اس ورڈکٹ کی پہلی دو لائنز رکھوں جس میں کہ ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ ورڈز کوٹ کروں گی جو کہ اس ورڈکٹ میں کہے گئے ہیں. یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو ایک فنڈامنٹل کوسچن سامنے آتا ہے, ایک فنڈامنٹل سوال جو سامنے آتا ہے وہ ہے کہ از آر گورنمنٹ آف لاز اور آف مین, کہ کیا ہماری حکومت قانون کی ہے یا شخصیات کی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے اسی ورڈکٹ میں آگے تیسری لائن پر کہ یہ کیس ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا جو ٹاپ ملٹری پوسٹ ہے ملک کی, اس میں چیف آف آرمی سٹاف, اس میں جو کمانڈنگ آفیسر آف پاکستان آرمی ہے, اس کی ریگولیشن کیا کانسٹیٹیوشن اور لا کے تحت ہو رہی ہے, اس حوالے سے اس کے ٹینیور اور اس کی ایکسٹینشن اور ٹرمز آف سروس جو ہیں کیا وہ ریگولیشن کے انڈر آتی ہیں یا نہیں. یہ نوید چودھری صاحب, اب آج کا ڈیٹیل ورڈکٹ ہم سب کے سامنے ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اور بڑا ٹاپ ناش پہلی تین لائنوں میں ہی ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور یہی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 243 کے تحت, جس کے تحت ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی تھی یا نامینیشنز کی بات کی جا رہی تھی, وہ بالکل خاموش ہے اس معاملے میں. اور جب یہی سوال اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا اور ان سے پوچھا گیا جو لائر تھے فروغ نسیم صاحب, اور انہوں نے بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے تھے, کلیریفائی کر سکے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اس پوائنٹ کو بہت ویلڈ پوائنٹ سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشن تو کلیئر کی ہوئی ہے کہ 57 آف ایج ہے, لیکن جنرل کی نہ کوئی پوزیشن بتائی گئی ہے کہ کب وہ ریٹائر ہوں گے. یہ ایک ٹریڈیشن چل رہی تھی اور اس کے اندر کوئی لا جو ہے وہ سائلنٹ تھا اس کے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو آج آیا ہے, اور اس کے اوپر بالکل بہت چیزیں واضح ہو جانی چاہیے. جو کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فوج کے پیج ہے کون سا جس پہ وہ ہیں. تو یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو بہت سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے. لیکن آج بھی اگر وہ یہی سوچ کے بیٹھی ہے کہ نہیں ہم یہی بحث کر رہے ہیں جی کہ ہم آگے جائیں گے اپیل کے لیے, یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آئیں گے, یا کس طرح آئیں گے, میں سے کنفیوژن دور کر دینا چاہیے, یا کنفیوژن ختم ہو جانا چاہیے. نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے, نظر آ رہا ہے اس کے آرٹیکل 243 کے اندر امینڈمنٹ اور لا کی ضرورت ہے, نہ کہ رولز کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں ایک سنجیدہ طریقے سے لیا ہے. اگر آپ نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ بہت بڑے ادارے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر اس کے چیزیں, اس کے ریپرکشنز غور اور ہوں گے. آلرائٹ, یہاں پر سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب, اب یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں بڑا کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہے پاک افواج کا, جو آرمی چیف ہے, اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حوالے سے جو ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی, یا جو ایکسٹینشن ہے, یا جو ریٹائرمنٹ ہے, یا جو ٹرمز آف سروسز ہیں, وہ کلیئر نہیں کی گئی ہیں. کسی قسم کا جو لیگل فریم ورک ہے وہ سامنے نہیں ہے. تو اور اب پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ پوری ذمہ داری جو ہے آ گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں, اگر قانون نہ بن سکا تو 6 ماہ بعد قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو یہ آج کے ورڈکٹ کو نون لیگ اپوزیشن کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینا جو فیصلہ آیا, تفصیلی فیصلہ آیا, اسے تمام لوگوں نے ابھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے طور پر اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں. اور جیسے میرے دوست نے کہا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی. دیکھو, بات 2/3 یا 0 میجارٹی کی نہیں ہے, یہ ایک سیریس لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے آئین میں خلا تھا جس کی نشاندہی سپریم کورٹ نے کی, کہ ایون کہ ڈیوریشن مینشن نہیں ہے کہ 3 سال کے لیے ایک روایتی طور پر کر دیا جاتا تھا, اس میں مینشن نہیں ہے کہ ون ٹائم لکھا ہوا تھا. ون ٹائم کتنا, 2 ہوگا, 3 ہوگا, 4 ہوگا, اس کے لیے چونکہ ایک روٹین چل رہی تھی, سب اسی کے مطابق جو ہے وہ کرتے تھے. اور چونکہ اس وہ رول جو ہیں باقی جو آدمی کی جو لاز ہیں اس پر تو عام لوگوں کی دستخط نہیں تھی, اس کے زیادہ اس پر کسی کی توجہ نہیں کی. تو ابھی اس کے لیے جو سب اس فیصلے کے بعد زیادہ ذمہ داری جو ہے اب حکومت پہ آ گئی ہے.
देखो क्या पाकिस्तान की जिस तरह पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे सूरत हाल है, इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, कश्मीर में क्या सूरत हाल है, इसकी आर्मी चीफ पदे को इस वक्त कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए और इस पे के लिए तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पे आना होगा। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये नहीं कि जी पास सिंपल पास हो जाएगा कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन 6 महीने है या 3 साल है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए सीरियस डिसीजन होगी कि एक्सटेंशन कितनी दे सकते हैं, किन हालात में दे सकते हैं, कितनी होनी चाहिए और बहुत से हालात हैं, जनरल साहब की रिटायरमेंट की क्या एज होगी कि और बहुत सी चीज़ें, तो इसके लिए तो बिल बैठने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी 18वीं तरमीम हुई थी, इस किस्म के सीरियस होमवर्क की ज़रूरत है और उसके लिए हुकूमत को सियासी टम्परेचर कूल डाउन करना होगा और एक पेज पे पोजिशन के साथ बैठना होगा एक टेबल पे। अभी आप जिक्र कर रहे थे आर्मी फिल्म स्कूल का, वो भी बहुत बड़ा डिजास्टर था, तो उस वक्त हमारी हुकूमत ने तमाम सियासी पार्टी को स्टेक होल्डर इकट्ठा बिठा के एक लाइव बनाया था। तो अब जो आर्मी चीफ जिस तरह उसी तरफ जरूरी है कि आर्मी चीफ की जब आप एक्सटेंशन का मसला है तो हुकूमत को चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियों को बुला के एक पेज पे ले आए, चाहे पोजिशन है चाहे इसके इतिहादी है, तो तब जी जाके मसले का हल होगा और उस बड़े हुकूमत को आप कंटेनर से उतर आना चाहिए और एक सीरियस होकर इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। पाकिस्तान की बका इसी में है, ये ना कि दुश्मन हमारा अस्तर है। और यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब आपके आपसे हम आपकी जानिब आएंगे हुकूमत की तरफ, और ये सवाल जो मैंने पहले उठाया था अपोजिशन से वो मैं आपके सामने भी रखूंगी कि जो फर्स्ट टू लाइंस है, अगर आप इस वर्डिक्ट की जो ओपनिंग फर्स्ट टू लाइंस है अगर आप उसमें देखें तो एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन वो कह रहे हैं इस जजमेंट में कि वो सामने आया है इस केस के हवाले से, और वो क्वेश्चन है कि इज आर गवर्नमेंट ऑफ लॉज और ऑफ मैन। तो ये इस सवाल को आप कैसे देखेंगे, किस तरह से परसीव करेंगे? और फिर ये भी कहा गया इस जजमेंट में पहले पैरा के बाद जो पैरा टू है वो कह रहे हैं कि जो 3 सवालात उठते हैं उन 3 सवालात के जवाबात इस जजमेंट में मिल जाएंगे। और वो फिर 3 सवालात उन्होंने बताए हैं कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सिंस 1956 ऑफ रेजिंग एंड मेंटेनिंग द आर्मी अंडर द लॉ has been fulfilled by the Pakistan Army Act 1952. यानी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 1956 का वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, क्या पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कमी है, इसको अगर ब्रीफिंग कर ले तो ये यहाँ पर फोकस बड़ा जो इस वर्डिक्ट में नजर आ रहा है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का है, आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस का है 54 का। तो आपको लगता है कि अब क्या ये जो लीगल फ्रेमवर्क करने का कहा गया है वो आप लोग करवा पाएंगे, कर पाएंगे? देखिए जी, एक तो मैं पूरी बात सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं समझ गया हूँ कि जो आप कह रही है, असल में बात यह है कि हमारी जो पार्टी है वो इंशाल्लाह सब पार्टियों को जो पीटीआई है वो सब पार्टी को इकट्ठा करेगी, और मैं दावा करता हूँ यहाँ पे कि कोई पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो शायद जरूरत ना पेश आए, बल्कि इसको कहा गया है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू करवाया जाए या आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है उसमें अमेंडमेंट हो। यहाँ पर जवाद अहमद साहब, अब ये जो फैसला है इस फैसले के मुताबिक कानून में जनरल की रिटायरमेंट या उनकी जो ओहदे की मियाद है उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है, जबकि जो जनरल के ओहदे में एक्सटेंशन है उसकी तसलसल उसकी कंटिन्यूटी की जो प्रैक्टिस है रिवायत है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो अब ये जो इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जनरल 3 साल की अपनी टेन्योर पूरा होने के बाद वो इनदर उनको जो है कभी टेन्योर में एक्सटेंशन मिल जाती है, मोस्टली रिटायर हो जाते हैं आर्मी चीफ। तो अब ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन को या इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस को क्या अब लेजिस्लेशन में तब्दील होता हुआ हम देखेंगे, या ये ऐसी इंस्टीट्यूशनल रिवायत को नहीं लाया जाएगा बल्कि प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस के तहत ये डिटेल्स जो है इसमें इंक्लूड की जाएंगी, इनको लॉ मेकिंग में किया जाएगा? लेकिन बड़ा ये मुश्किल काम है इस तरह का लॉ बनाना, और इसीलिए ये गवर्नमेंट के लिए भी एक ऐसी हड्डी है जो उनके हलक में फंस गई है, क्योंकि ये जो लॉ है ये बताएगा कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जो भी इस वक्त होंगे
उनको एक्सटेंशन किन बुनियादों में मिलेगी? असल में तो इस पर सारा डिटरमिन होगा, बुनियादें वाजे की जाएंगी। अदरवाइज तो देखें, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन ले लेगा। अगर लॉ ये बनता है कि हर कोई ले सकता है और आराम से ले सकता है तो कोई भी ले सकता है फिर तो ये मेरा ख्याल है इसकी जो हदूद तय करनी है इसमें एक तो पीटीआई के लिए भी एक प्रॉब्लम है जो जुडिशरी ने खड़ी की है उनके लिए कि उनको क्या ऐसे बताने पड़ेंगे, वजह बतानी पड़ेंगी कि जिसकी वजह से वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं इस दफ़ा। और दूसरी तरफ जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि जो लीडरशिप है दोनों पार्टीज की, जो पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम नून भी, वो चूंकि जेलों में थी उनको बार्गेनिंग करने का टाइम मिल गया है। उनके लीडरान जो है वो बाहर निकल रहे हैं जमानतों पे और फिर शायद मुल्क से भी बाहर जा रहे हैं, तो वो भी एक मामला चल रहा है। और वो एक्चुअली ये भी साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ जो मामला है हुकूमत वो ठीक करे, अदरवाइज हमारी आपको चाहिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो हमारी आपको राय भी चाहिए, तो इसलिए आप हमारे साथ सही तरीके से वो डील करें। तो ये एक्चुअली इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक ऐसा डेडलॉक है इस वक्त जिसके अंदर इमरान खान और ये अपोजिशन की जो पार्टीज हैं ये दोनों फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले जो आपने बात की थी, जिससे स्टार्ट आपने किया था अपनी इस मामले का, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखें, इस पाकिस्तान के अंदर शख्सियात ही सारा कुछ अभी तक करती रही हैं। पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन सा ऐसा शोभा है जहां पे शख्सियात के ऊपर नहीं सारी चीज़ें डिपेंड करती। अभी आप जुडिशरी को इवन देख लें, मैं मौजूदा जज साहब से पूछूंगा कि अभी साकिब निसार साहब जो थे वो एक शख्सियत थे और एक शख्सियत जो जो कर गए उनका तो जुरिसडिक्शन ही नहीं बनता था या मतलब उनका डोमेन ही नहीं था जहाँ पे वो चले गए थे। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब को हमने देखा कि उन्होंने अपने हदूद से तजावज़ किया, बेशक उन्होंने एक ज़माने में अच्छा काम किया, एक ज़माने में उन्होंने कुछ ज़्यादा कर लिया, ये इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक्टिविज़म में आए। एक चीफ जस्टिस जो है वो एक्टिविज़म में आ गए और उसके बाद उन्होंने पोलिटिकल पार्टी भी बनाने की कोशिश की। उसके बाद अगर आप आए इसके ऊपर पार्लियामेंट, नहीं नहीं आप सियासी पार्टी में भी आए, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, तो सारी पार्टीज जो हैं वो शख्सियात के ऊपर हैं। इमरान खान के साथ तो ज्यादातर लोग खुशामदी हैं उनके, उनको तो वो लीडर किसी को बनाया नहीं उन्होंने, वो इमरान खान को निकाल दें पीटीआई खत्म हो जाती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि नजरियात पे खड़ी हो और पार्टी इलेक्शन लड़ाती हो। लोग अपने पैसों से इलेक्शन लड़ते हैं, कारोबार करते हैं और आगे पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। पीपल्स पार्टी को आप देख लें, भुट्टो साहब से लेकर आज तक उनके खानदान पर चल रही है और नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है जब से जियाउल्लाह साहब ने बनवाई थी आज तक उसके ऊपर चल रही है। तो शख्सियात पे है सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर, हम झूठ क्यों बोलते हैं? सियासी आइडियोलॉजी पर हम क्यों ऑपरेट करते हैं? एग्जैक्टली ये यही सवाल है यहाँ पर नवेद चौधरी साहब। एक तो ये शख्सियाती आइडियोलॉजी पाकिस्तान में आखिर क्यों जो है पॉपुलर है, क्यों नहीं कोई भी सियासी जमात कोई अगर देख लें वो शख्सियात से बुलंद होकर बियॉन्ड पर्सनैलिटीज क्यों नहीं हमें थ्राइव करती हुई नजर आती? और दूसरी बात ये, इसी वर्डिक्ट में पैरा 3 को अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियर कट कहा जा रहा है कि हमारी पाक अफवाज के माजी में हमने देखा कि बड़ी कामयाबी से अपॉइंटमेंट्स, रिटायरमेंट्स जो है और एक्सटेंशंस होती रही हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि इस हवाले से सवाल उठाया गया है अदालतों पे कि ये किस लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ये अपॉइंटमेंट्स, ये रिटायरमेंट्स और ये एक्सटेंशन जो है ये होती रही हैं। तो अब ये जो इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस थी अब तक हमने देखा कि उसी के तहत ये काम हो रहे थे, तो अब ये जो इदारती रिवायात कह लें, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो है, क्या ये कानून का मुतबादल बन सकेंगी? अब जबकि मामला पाकिस्तान की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंट में हमें वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी जानिब से आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत का तायुन जो है वो हो सकेगा? देखें, जो पहली बात की आपने शख्सियत की, तो मैं समझता हूँ कि इसको डिस्क्राइब किसी और अंदाज से किएगा। जवाहर साहब ने अपने अंदाज में इसको पेश किया, जो बात जजमेंट में आई वो शख्सियत की नहीं थी, वो था कि कानून में अख्तियार ज़्यादा है कि शख्स का अख्तियार ज़्यादा है, ये बात कही गई थी। और जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की शख्सियत के बारे में, खाली पाकिस्तान नहीं है, थर्ड वर्ल्ड के अंदर जहाँ मर्जी आप उठा के देख लें, अवाम जो है ना वो जिस चीज़ को पसंद कर रही है देख रहा तो उसका होता है कि अवाम की ख्वाहिशात क्या है, क्या अवाम उस तसलसल को पसंद कर रहा है कि जिसका वो शख्सियत को वोट देती है कि वो किसी नज़रिए को वोट देती है। हमेशा यहाँ उठा के देख लें, चाहे आप पाकिस्तान देख लें, जकार्ता देख लें, इंडोनेशिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, कहीं देख लें उठा के, आपको वही नज़र आएगा कि एक सिस्टम यहाँ चल रहा है क्योंकि अवाम की सोच उसके तक है। जब अवाम इस चीज़ में डेवलप हो जाएगी, जब जमहूरियत यहाँ फल फूल जाएगी, जब यहाँ आमरियाना सोच ख़त्म हो जाएगी, तो नेचुरली इसका आएगा और इसका हर सोल्यूशन फेयर एंड
फ्री इलेक्शन है, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर इस टाइप की चीज़ें पलती रहेंगी ना। जब आप तीन दस साल के लिए कोई एक हुकूमत आ जाएगी, वो अपने नए लॉ ला के आपके हाथ पाँव बांध के आपको लेके आएगी, तो फिर कौन कौन सी जमहूरियत यहाँ पर परवरिश कर सकेगी। तो मैं समझता हूँ उसका है। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का दूसरे शोबे का, कि देखें ये वक्त है कि इस वक्त इस चीज़ को वन फॉर ऑल डिफाइन कर देना चाहिए हर रोज़ हमें। और ये बड़ा अच्छा मौका दिया है इस, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में अंदर जो लॉ के अंदर जो रिट होती है वो विड्रॉ नहीं हो सकती जब तक के कोर्ट ना चाहे, इसलिए वो कोशिश तो की गई जिन्होंने अप्लाई किया था की इजाजत के बगैर। एग्जैक्टली और उसके अंदर वो लिखा भी उन्होंने, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जी, तो वो लिखा भी उन्होंने कहा जी मैंने और सादे कागज पे उन्होंने वापस लेने की कुछ की, फिर प्रेजेंट होकर कहा तो उन्होंने कहा जी नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो मैं समझता हूँ ये एक तारीखी फैसला आया है, इस पे अमल दरामद ज़रूरी है, लेकिन इस अमल दरामद के अंदर हमें यह देखना है कि कहीं इसको जो पार्लियामेंट के अंदर वो तकसीम ना हो, ये कंसेंसस बनना चाहिए। जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा तो ऐसे फैसलों का नुकसान होने का खतरा है, और कंसेंसस बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। वो हुकूमत ने अगर कंसेंसस बनाने में इंटरेस्टेड है, यहाँ मैंने अभी आपने यहाँ पर नवेद चौधरी साहब ये अगर पैरा टू में आप देख ले तो ये सवाल जो सामने रखा गया है कि क्या पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफ 1952 जो है वो फुलफिल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट 1956 जो है, क्या ये फोकस हमें इस तमाम प्रोसीडिंग का और वर्डिक्ट में भी आप अगर देख लें तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 है, आर्मी रेगुलेशंस 54 है, तो ये आपको लगता है कि हम इनमें अमेंडमेंट्स कर पाएंगे, पार्लियामेंट में हमारी इतनी कैपेसिटी है कि वो कर लेंगे इस काम को जो कि कहा गया है उन्हें? देखें जहाँ तक इसके रूल के अंदर ताल्लुक है और इस एक्ट के अंदर ताल्लुक है, उसको 73 के साथ मसावी करना पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा कि 73 का आइन 18वीं तरमीम के बाद आप क्या कह रहे हैं। जो फवाद चौधरी साहब ने एक इशू उठाया था मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब अभी आप किसी भी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे तो वो एक ही बात करते हैं, वो कहता है जी ये सब आ जाएंगे जी, इतफाक आ जाएगा। भाई ये कोई आम ट्विस्टिंग वाली बात नहीं, इसमें आपको तमाम छोटे सूबों को भी और तमाम उन कुवतों को भी शामिल करना पड़ेगा जो कल को एक इशू बन जाता है कि यहाँ क्या है जी, जिसकी चाहे वो एक्सटेंशन ले ले और जो चाहे वो साफ हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की तरक्कियाँ रुकी हुई हैं, बहुत से सिस्टम है, इसको सिस्टमाइज करने की ज़रूरत है। अदारे को मजबूत तभी किया जा सकता है एक सिस्टम करेंगे, अगर विल एंड विश है तो उसके हिसाब से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ऑलराइट, क्या आप पूछ लेते हैं हुकूमत से सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, अब ये आज हमारे सामने जो डिटेल वर्डिक्ट है उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि पार्लियामेंट आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत मुलाजमत को यकीनी बनाए, तो इसको देखते हुए अब ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पर आयद हो चुकी है, तो क्या हुकूमत और ऑपोजिशन इस मामले को लेकर हल की जानिब जाएंगे या ऑपोजिशन इस मामले पर उनकी अपनी कोई डायमेंशन होगी और हुकूमत जो है वो रिव्यू पटिशन के हवाले से जो है प्रोसीड करती हुई नजर आएगी, क्या आप ऑपोजिशन को साथ लेकर चलते हुए नजर आएंगे इस मामले को लेकर? देखिए जी हम अपोजिशन को अपने साथ लेके चलेंगे और हमारे अपोजिशन के साथ बात चल भी रही है और हम अपोजिशन हमारा साथ देगी भी और ये वन एंड फॉर ऑल ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सटेंशन आइंदा के लिए होगी भी या नहीं होगी। हालांकि प्रेसिडेंस है कि एक्सटेंशन मिली हुई है लोगों को, मगर वो आएगी उसके मुताबिक नहीं थी। मगर अभी अगर हम चाहे और हम चाह रहे हैं कि अपोजिशन हमारे साथ चले तो हम इसको वंस एंड फॉर ऑल हल कर सकते हैं और अपोजिशन के साथ हमारी जो बात चल रही है वो तकरीबन 80% तक हम कामयाबी से चल रहे हैं और अपोजिशन हमारा साथ देगी और अपोजिशन ने हमें इंश्योर कराया है कि वो साथ देगी इंशाल्लाह। और ये मसला इस तरह नहीं है, अभी इस हमारे जो हालात है इस मुल्क के इस रीजन के जो हालात है इस वक्त, हमें जो एक सोच जो हमारी चल रही है उसको एकदम तब्दील करना हम नहीं चाह रहे कि वो एकदम तब्दील हो जाए, क्योंकि एक जो है एक लीडर वो लीड कर रहा है, वो सारी डायनामिक्स को वो देख रहा होता है। जो इस वक्त
जो है। लेकिन हुकूमत का अब इस फैसले के बाद अगला कदम क्या होगा सेनेटर हिदायतुल्ला साहब, व्हाट वुड बी नेक्स्ट, हुकूमत क्या अगला कदम उठाएगी? आप जो है इस मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अपनाएंगे, आईनी तरमीम होगी, आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट होगी, किस रास्ते को अपनाते हुए नजर आएंगे आप? इंशाल्लाह हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की पेश करेंगे, आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन के उसमें तब्दीली करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारी जो रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है, जो हमारी रीजन में जो हमारा इम्बैलेंस है और हमारी रीजन में जो डिसऑर्डर चल रहा है, वो नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें और एक पूछ लेते हैं यहाँ पर ऑपोजिशन से, सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, अब ये अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आगे मामला जाता है तो क्या ऑपोजिशन ऑन बोर्ड होगी इस एक्सटेंशन के मामले को लेकर, या फिर क्या ऑर्डिनेंस जो है वो हमें आता हुआ नजर आएगा? फिर ये भी सवाल है कि क्या ऑर्डिनेंस एक ऑप्शन एज अ डुएबल है भी हुकूमत के पास, यानी कि ऑर्डिनेंस लाया भी जा सकता है या नहीं? देखिए जी, ऑर्डिनेंस तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस तो ऑर्डर का कोई तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या तो आईनी तरमीम होगी, दो चीज़ अमेंडमेंट होगी या इसमें दो चीज़ें, और ये नहीं कि असम्बली में ये मेरे भाई हिदायत साहब ने कहा है कि जी हम पार्लियामेंट पेश कर देंगे, भाई पहले कंसेंसस डेवलप होगा, आप उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया करेंगे। अब पहले सियासी पार्टीज को बुला के, एक तमाम सियासी पार्टी को बुला के एक मीटिंग करें, और मैंने बताया ना कि एक सिर्फ ये नहीं डिस्कस करना हमने कि जी या तय करना कि जी एक्सटेंशन 3 महीने हो, 6 महीने हो, या साल हो, हमने और बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तय करनी है, एक्सटेंशन कि जैसे मेरे भाई कह रहे थे एक्सटेंशन कितना अर्से के लिए होगी, क्यों होगी, उसके लिए जवाब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने तय करनी है, ताकि फिर ये once for all ये terms of services exactly। लेकिन लेकिन क्या opposition कुछ लोग कुछ दो के तहत इस मामले पर हकुमत का साथ देती नजर आएगी, या आपकी जानिब से गैर मशरूत हिमायत unconditional support जो है वो इस मामले पर हकुमत के साथ नजर आएगा? इस वक्त जो हम जो काम जो करेंगे, जो हमारे मुल्क के, हम सोचेंगे कि मुल्क के मफाद में है, वो उस पर करेंगे, और उसके लिए हुकूमत का चाहिए कि आगे तमाम पोजिशन को बुलाए और उस पर एक तमाम पार्टी को एक पेज पे लाए। इसमें मेरे भाई कह रहे थे कि लोग कोई बार्गेनिंग करेंगे, हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ना पहले किया है ना आप करेंगे, अगर नवाज शरीफ साहब बीमारी की वजह से बाहर गए तो इंशाल्लाह इलाज करा के वापस आएंगे, किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए, ये मुल्क का मसला है, ये आर्मी चीफ की मदद का मसला मुल्क का मसला है, इसके लिए कुछ सियासी हमने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, इससे तो हम मुल्क का सोच रहा है, एक आर्मी चीफ का होता जिस पे मुल्क का पूरा डिफेंस डिपेंड करता है, उसके लिए हम क्या बार्गेनिंग करेंगे कि हमें जाने दो या केस खत्म करो दो? ये बहुत ही मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि इस की सोच नहीं होनी चाहिए, हमें तो कम अज कम इस वक्त तो ऐसी सोच है, जिन हालात में पाकिस्तान गिरा है, पाकिस्तान में क्या नहीं है, बॉर्डर्स पे क्या सिचुएशन है, और मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, महंगाई क्या है, उसकी तो हमें इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए, और हम बजा कुजा के हम अभी इस पे लड़ रहे हो कि आर्मी चीफ के साथ कितने महीने होना चाहिए, उतने होने चाहिए, इस करीब मैं हुकूमत से बल्कि हुकूमत को चाहिए कि पोजीशन को बुलाए, अभी तक तो, और मुझे तो ये नहीं लगता, देखो मैं एक अभी ये जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का है, हम काफ़ी दिन से कह रहे हैं भाई दो चीज़ें हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर आप बना लें अपनी मर्जी का और दो मेम्बरान हमारे बना लें, या दो मेम्बरान आप अपने बना लें और चीफ इलेक्शन कमीशनर हमारी मर्जी का बना लें, इस पर भी हुकूमत नहीं फैसला कर रही, जब इस इश्यू पे हुकूमत नहीं करती तो ईद में तो मैं तो सख्त नहीं देख रहा हूँ इसमें इतने। लेकिन अब आपका आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जवाद अहमद साहब, ये अब मामला जो है ये पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनकी उनके कोर्ट में आ गया है, तो क्या ये इस बड़े इम्तिहान में हमारी पार्लियामेंट जो है वो पास होती नजर आएगी कि वो आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसकी जो मुद्दत का तायुन है वो ये मिल बैठ के कर पाएंगे, और फिर क्या हुकूमत इस फैसले को लेकर फिर नजर सानी रिव्यू पटिशन जो है वो भी दायर करने का उनकी जानिब से जो है इरादा जाहिर कर दिया था, तो क्या अभी भी वो ऑप्शन उनके पास मौजूद होगी, क्या वो ये रिव्यू पटिशन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और फिर अगेन अदालतें ही हमारा रिलीफ क्यों साबित होंगी हर मामले पर? देखिए इमरान खान साहब को इस वक्त असल में मुद्दत चाहिए 5 साल पूरे करने वाली,
और अपोजिशन जो है ऑफ कोर्स उसके अंदर 6-7-8 सीटों के अंदर अंदर उनकी वजारत उजमा जाती है, तो इसलिए इमरान खान साहब अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, 5 साल वो चाहते हैं वो पूरे करें, जबकि अवाम उनके बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हुई है। आप ज़रा जाके सड़कों पे देखें लोगों का हाल क्या है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, बाजारों में क्या कर रहे हैं, घरों में क्या कर रहे हैं। इमरान खान को मुझे लगता है कोई बताता भी नहीं है ये बात, लेकिन बहरहाल ये मसला है असल में जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ हुआ है। और अपोजिशन में मैंने कहा कि वो अपने कार्ड्स प्ले करिए। देखिए एक बात तय है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, ज़्यादातर उनमें से मैं कहूँगा 99% लोग, वो सारे अपने पैसा लगा के इलेक्शन लड़के आए हैं, और इन लोगों में से कोई लोअर मिडिल क्लास का एक भी आदमी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है, आपको मिडिल मिडिल क्लास से भी शायद ही कोई हो। तो ये अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपने पैसे लगा सकते हैं करोड़ों रुपया, और या फिर ये लीड है जो कि जागीरदार सरमायादार माफियाज हैं। अब इन लोगों ने लोगों के लिए तो कुछ करना होता नहीं है, ये चाहे जिस मर्जी पार्टी से बिलोंग करते होते हैं, ये सिर्फ आते हैं अपना इख्तदार हासिल करने, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन इनका आवाम से ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए 15,000 मिनिमम वेज थी 2013 से 2018 में, तो तमाम सूबों में तीनों पार्टीज मुख्तलिफ सूबों में काम इख्तदार में थी। मैं ये समझता हूँ अगर तो हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं उनके ही एक्सटेंशन से इस मुल्क के अंदर आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान इज्जत रोजगार तालीम सेहत बिजली पानी ट्रांसपोर्ट इंसाफ इज्जत ये सब मिलता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। और अगर वो उससे नहीं मिलता तो ये कोई एक मामला ही ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता। देखें मैं तो इज्जत करता हूँ उनकी भी, मैं तो आर्मी की इज्जत करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं हमें डिफेंड करते हैं, इसी तरह मैं पार्लियामेंट की भी इज्जत करता हूँ, एक अदारा है जो कानून बनाता है। लेकिन क्या मुझे बताएं पाकिस्तान में जो इतने सारे लोग हैं, हम जो मिडिल क्लास हैं मेहनतकश हैं नौजवान हैं 99% लोग जो हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई नुमाइंदगी नहीं है, उनका भी कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा? और क्या एक्सटेंशन का मामला उन लोगों की जिंदगी से कोई ताल्लुक रखता है? मैं नहीं समझता रखता है। और अभी हमने बात की थी शख्सियात की, देखें इस मुल्क में शख्सियात के इर्द गिर्द तो पार्टीज बनती हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, ये जो बराबरी पार्टी पाकिस्तान है, जब हमने इसका नाम रखा था तो हमने ये कहा था भाई इस पार्टी के अंदर कोई एक बंदा नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ इसलिए आगे करते हैं कि मुझे लोग जानते हैं, अदरवाइज मेरे ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ है करंट चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान। मैं कौन हूँ, मैं कल मर जाऊँ परसों मर जाऊँ? यहाँ पे शख्सियात समझती है कि पता नहीं वो क्या चीज है, पार्टियां बना लेती है अपने इर्द-गिर्द, लोग अपने इर्द-गिर्द जमा करती है, इख्तदार हासिल करती है, और उन लोगों को लोग पता नहीं क्या समझते रहते हैं इख्तदार में। नवेद चौधरी साहब कमिंग बैक टू द डिटेल वर्डिक्ट, तो अगर इस डिटेल वर्डिक्ट का जो पटिशनर था उसका जो असल मकसद था जब उसने ये पटिशन फाइल की थी, तो उसके मुताबिक जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243(4)(a) को जो है वॉयलेट करती है, उसके साथ वो जो है वॉयलेशन हो रही है, इसलिए स्ट्राइक डाउन करने का उसकी जानिब से जो है मुतालबा किया गया था। तो अब ये क्या आपको लगता है कि डिटेल वर्डिक्ट में अदालत ने बड़ी तफसील से तमाम पहलुओं पर जो है हर बात को एक डिटेल तरीके से सामने रख दिया है और पार्लियामेंट को कहा है उनको जिम्मेदार बना दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुकूमत किसी तरह भी दोबारा से नजरसानी की जो उनकी ऑप्शन है क्या रिव्यू की कोई गुंजाइश रह जाती है इस डिटेल वर्डिक्ट के आने के बाद भी? देखें जहाँ तक तो इसकी नजरसानी की सूरत हाल है तो वो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जब वहाँ एक बकायदा रिटर्न ये कमिटमेंट की थी कि वो 6 माह के अंदर अंदर इसके अंदर वो ले आएंगे अमेंडमेंट ले आएंगे, तो वो तो नजरसानी वाली गुंजाइश तो उनकी ख़त्म हो चुकी हुई है। अब उनके पास कोई लॉ ऐसा है नहीं जिसके बुनियाद पर कर सके। और जो बात आपने की ये शू इसलिए बना कि ये गलत किस्म का पहले दिन से ही पीटीआई की गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन सही तरह निकाल नहीं सकी। जब अगस्त के महीने में इसका नोटिफिकेशन आया तो जो प्रेसिडेंट का भाव था वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम पे लगा लिया और ये फिर इशू उसी वक्त डिस्कस होना शुरू हो गया। और आपके प्रोग्राम में मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये चैलेंज होगा और ये बात आज साबित हुई कि मैंने जो बात उस वक्त कही थी वो सच साबित हुई। देखिए बात ये चैलेंज इसलिए हुआ कि जब आपने खुद एक ऐसा लकूना वहाँ छोड़ के चले गए कि जिसके अंदर फिर आपके प्रेसिडेंट कहते हैं जी कि 23 सितंबर में कहते हैं जी कि मेरे पास अभी आया नहीं है और अगस्त में वो बैकडेटेड हो गया, तो चीटिंग तो नज़र आ गई। तो मैं समझता हूँ कि इसको करेक्शन की ज़रूरत है और इस वर्डिक्ट के अंदर बहुत डिटेल जजमेंट है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसके अंदर हो। और ख़ासकर खोसा साहब का आखिरी जो इसके अंदर इजाफी जो नोट्स है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि कोई आर्टिकल 243 के तहत गुंजाइश ही नहीं है कि कोई एक्सटेंशन हो सके या कुछ चीज़ें दे सके, तो ये चीज़ कहनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसकी भी तशरीह
कोर्ट को अपना असेंबली में करनी पड़ेगी। इसलिए ये कोई आसान सा काम नहीं है कि खाली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बातें की जा रही हैं। जब आप उसको शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने की ज़रूरत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो सिर्फ एक फार्मूला है कि इसके जो एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें ज़रूरत है वो है कि जो वो अजाफी चीज़ें कह गया कोर्ट, वरना यही कोर्ट के पास जब वापस जाएगा तो अगला कोई रेड कर देगा तो वो दोबारा वापस आना पड़ेगा। जैसे 18वीं तरमीम के बाद हमें 19वीं तरमीम लानी पड़ेगी, वो है। और जहाँ तक ताल्लुक है, अभी मेरे भाई जवाद ने बड़ी अच्छी तकरीर की और खुद ही अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी। उन्होंने कहा मुझे इसलिए पेश करते हैं लोग मुझे जानते हैं, तो फिर शख्सियत तो आप आ गए, फिर क्या आपका नजरिया रह गया? मैं इसका सुन ले, मेरे जब आप आ गए तो फिर तो आपका मतलब आपने उसकी आप दफी कर दी। यही बात मैं कह रहा हूं कि थर्ड वर्ल्ड में शख्सियतों को इसलिए लाया जाता है कि वो उनकी कम्युनिकेशन आ रही है, वो सुन रहे होते हैं। नजरिया हर एक पार्टी का अपना अपना, मेरी पार्टी का नजरिया ये नहीं है कि मैंने गरीब को नहीं आने देना। हमने हर गरीब को, हर वर्कर को टिकट दी, लेकिन जब यहाँ आपके वोट की इज्जत नहीं मिलती, आपके वोट का तहफ़ नहीं होता, तो फिर आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए पैसे ही लगाने पड़ते हैं, वो चीजें हैं। मैं 2002 के इलेक्शन में जीतता हूँ, मुझे हरा दिया जाता तो मुझे कोई सुनने वाला नहीं होता। अगर 6 माह तक लेजिस्लेशन नहीं हो पाती इस इशू पर तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर, वो भी उस डेट को होंगे, एक नया नवंबर की डेट का वो मुकरर उनको करना पड़ेगा। तो हम इसको रैप अप करके हम अगले अपने टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और हम जिक्र करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के हवाले से, जिसको कि आज 5 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं। और इस अंधोनाक सानहे के बाद हुकूमत, ऑपोजिशन और अवाम ने फौज के साथ मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया और उनमें कामयाबी भी हासिल हुई। और उसी की बदौलत हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान में अमन बहाल हो रहा है। हमें याद है कि उस जमाने में हम रोज यहाँ पर शो पर बैठ कर रिपोर्ट कर रहे होते थे कि आज दहशत गर्दी के वाकयात में कितनी जाने जो है उनका ज़िया हुआ है। हम आज देखते हैं कि DGISPR जो है मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, वो ट्वीट में कहते हैं कि APS सानहे में मुलविस 5 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए फांसी दे दी गई है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी APS के 5वीं बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि मासूम बच्चों के खून ने कौम को हर किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, तशद्दुद और नफरत के खिलाफ मुतहद कर दिया है। और हम अहद करते हैं कि अस्करियत पसंदी की सोच को मुल्क में परवान चढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर इस वक्त सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब आपसे ये है कि क्या आपके ख्याल में हमने इस वाकये से सबक सीख लिया है या हमें अभी भी मजीद जो है कुछ ऐसे वजूहात हैं जिन पर दोबारा गौर करने की जरूरत है? देखिए जी, इससे तो एक सबक हमें ये हासिल हुआ या उस वक्त की लीडरशिप के जो विजन था उसके मुताबिक ये था कि जब कोई भी बड़ा मसला, जितना बड़ा मसला हो, जब तमाम कौम जो है और तमाम कौम उसके तमाम इदारे तमाम अवाम जब एक पेज पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जो उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये एक पेज पे ना आए तो फिर कोई छोटे से छोटा मसला भी जो है वो हल नहीं होता। तो इसमें ऐसी हुकूमत को, एक जिम्मेदार हुकूमत को और विजन वाले लीडर को या वजीर आजम को इतनी उसमें सख्त होनी चाहिए या उसमें इतनी विजन होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ताकि तमाम अपनी पोजीशन पार्टियों को, तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठा के इस मसले का हल निकाले। लेकिन यहाँ पर सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, हमारे शो का वक्त भी खत्म होने जा रहा है, मैं क्विकली अपने तमाम पैनलिस्ट का जो है इस पर व्यू लेना चाहूंगी। हम आज APS सानहे की, अंधोनाक सानहे की 5वीं बरसी मना रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि तकरीबन 140 जो है वो शहीद हुए थे, शहदा है APS के, ज्यादातर जो शहदा है वो बच्चे हैं। अब ये मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर थी वो एब्सोल्युटली, उसमें कोई शक नहीं है कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या हम सीख पाए हैं इस वाकये से? क्या सबक हासिल किया है रियासत ने, हुकूमत ने, या जो सियासी पार्टीज हैं, क्या किसी किस्म का सबक हासिल किया भी गया है? जी, मैं सबसे पहले जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल है वो जिनके बच्चे शहीद हुए हैं उनके वालिदैन को सलूट पेश करता हूँ। उसके बाद मैं जो मर्ज रियाज है, जो सादे का फाटा है, उसके जो 70,000 लोग शहीद हुए उन लोगों को मैं सलूट पेश करता हूँ। और उसके बाद आर्मी के जो 5,000
लोग शहीद हुए उनके सलूट पेश करता हूँ। और यहाँ पे मैं इस बात को डिनाई करता हूँ कि हमारे हालात अभी सही हुए हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस एरिया से है जो मर्ज एरिया है, वहाँ पर अभी भी हालात सही नहीं है। तो हम इसी बेसिस पे कि ये जो आर्मी हमारा है और हमारी जो आर्मी की जो हेड है वो इन चीजों को समझ रहे हैं, तो हम इस बेसिस पे और जो हमारी रीजनल जो पॉलिटिक्स जो रीजनल जो सिक्योरिटी है उस पे उनका अबूर हासिल है, उस बेसिस पे हम एक्सटेंशन की बात करती है करते हैं और आर्टिकल हम पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, नवेद चौधरी साहब और जवाद अहमद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन चलते चलते हम बताते चले कि आज एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बुनियादी हकूक के नफाज में पुलिस का अहम किरदार है और अगर बुनियादी हकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। काश के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वकला के किरदार के हवाले से भी बात करते और वकला के किरदार के हवाले से कुछ जो हमारे सामने PIC का वाकया है उस हवाले से भी कुछ जो है हमें इनलाइटन करते, हमें कोई तसल्ली देते या कोई सो मोटर लेते हुए नजर आते। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।